हर चीज़ का ना एक साइकिल होता है। पहले हम सेवा करते हैं, जब हम सेवा करते हैं ना, पहले तो सेवा करते नहीं हैं बहुत टाइम तक, ठीक है, फिर सेवा करते हैं तो खूब बाबा बाबा करके सेवा करते हैं, हम नहीं बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बहुत टाइम तक वो चलता है। स्वार्थ तो बहुत लेट आता है ना, माया है ना, माया पहले पहले आपको अभिमान चढ़ाती है, निस्वार्थ सेवा का अभिमान चढ़ाती है पहले माया। पहले तो माया आपको कहेगी आपके जैसा तो हम्बल कोई है ही नहीं, आपके जैसा निमित्त भाव तो किसी ने दिखाया ही नहीं, इतना कर दिया और मैंपन नहीं। पहले तो हाँ सेवा करेंगे और बहुत समय तक खूब बाबा बाबा करके सेवा करेंगे, और फिर उस समय पर जो ह्यूमिलिटी भी है, ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। और बहुत जब बिल्कुल होश खो जाता है ना, जब अटेंशन ख़त्म हो जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, धीरे धीरे माया आपको वहाँ ले आएगी जहाँ पर आपको लगेगा अब हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, कोई आज हमें थोड़ी अभिमान चढ़ जाएगा, तब वो माया वार करती, तब आता है स्वार्थ। और उस आत्मा को अटेंशन भी दिलाएंगे ना कि आपके अंदर तो ये स्वार्थ आ गया, तो कहेंगे हाँ, मतलब 10 साल हमारे अंदर स्वार्थ नहीं आया, आज ही हमारे अंदर स्वार्थ आ गया। और वो स्वार्थ ले डूबता है, फिर तो मैं मेरा मेरा शुरू होगा, जो वो पूरा ही डुबो देगा। लेकिन तब सोचेंगे अगर 10 साल हम ठीक चल रहे थे तो आज हमारी गलती कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती, सामने वाले की गलती। पर बाबा कहता है कि ये जो मार्ग है ये ऐसा है कि बड़े बड़ों को भी माया पूरा नाक से खींच के गिरा देती, इसलिए अपने को बड़ा समझने लगे, हम तो पुराने हैं, हम तो इतने समय से, तभी जाके माया वार करते। बाबा कहते अंत तक माया तुम्हें तंग करेगी और तुम्हें अंत तक सावधान होकर चलना पड़ेगा, है ना, अंत तक इशारे समझने पड़ेंगे कि ये मेरे लिए कहाँ जा रहा है। नहीं समझते ना तो कब खींच कर गिरा देती पता ही नहीं चलता, है ना। और बचपन में नहीं आती माया, बचपन में देखा है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, हर कोई कहेगा इतना प्यारा, इतना प्यारा, हर बात मानता है, जैसे कहो दौड़ के जाता है लेकर आता है, इतना प्यारा। अचानक 13 वर्ष 14 वर्ष का हुआ, पता नहीं क्या हो जाता, टीनेजर बनते हैं ना जब, ज्ञान में भी, ज्ञान मार्ग में जब टीनेज आती है ना, तो ये तब मुसीबत आती है। जैसे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, 7-8 वर्ष हो गए, फिर शुरू हो जाता है सब, है ना, क्योंकि बचपन से तो सुनेंगे, बोले रहेंगे पहले, है ना, तब सुनेंगे इसके जैसा तो कोई नहीं है, तो बहुत अच्छा है, इतना प्यार से, इतना ह्यूमिलिटी से, इतना निस्वार्थ से करते हैं। और फिर जैसे ही थोड़ा समय हो गया, फिर मैंपन, मेरापन आएगा, और फिर उसके बाद तो समझना समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। और ये भी जो मेरा अनुभव है कि हम बाबा के बनते हैं अपने निर्णय से, हम चलते हैं अपने निर्णय से, और अगर हमारी अपनी समझ खराब हो गई है तो कोई नहीं जो हमें समझा सके कि हमारे अंदर प्रॉब्लम आ गई, बुद्धि फिर गई, माना फिर गई,
फिर अपने अंदर ही आएगा कि मुझे बाबा का बनना है, समझना है तो समझे ना, कोई दूसरा नहीं समझा सकता। हम ये पूरा मार्ग ही ऐसा है, आप और बाप। हम आए तो अपने समझ से आए, बने बाबा के तो खुद बने, और जब भटकते हैं तो भी अपने को वापस लाना है, तो उसमें भी हमें अपने आप को ही सावधान करना पड़ता है। इसीलिए ये जो रोज़ बाबा मुरली में कहते हैं ना, माया से सावधान, रोज़ अपने को चेक करना पड़ता है, और ये पर्सनली करना। कोई बोलेगा तो भी खराब लगेगा, कोई बोलेगा तो, और बोलने से हमेशा रेजिस्टेंस आता है ना। या तो इतना समर्पण भाव हो किसी निमित्त के प्रति, तो फिर वो बोलते हैं तो सुनते हैं, वो सबसे इजी तरीका है। अगर साकार में भी एक निमित्त को समर्पण होकर चल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतनी समर्पण बुद्धि नहीं है तो फिर हमेशा मुरली से चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर नहीं तो कोई बोलेगा भी तो रेजिस्टेंस आएगा, कोई समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए एक बाबा दूसरा ना कोई खाली चल करने से नहीं होगा, एक बाबा दूसरा ना कोई करने के लिए तो बुद्धि चाहिए जो बाबा को हमेशा जान सके, पहचान सके, वरना तो एक निमित्त को समर्पित होके चलना ही पड़ता है। एक बाबा दूसरा ना कोई पूरा करके चलना मासी का घर नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं होती ना, तो इसीलिए एक निमित्त को ऐसे मान कर चलना होता है। हाँ, ये जो कहेंगे मेरे कल्याण के लिए कहेंगे, उतना फेथ डेवलप करना पड़ता है, और करके चलते हैं तो आसानी हो जाती है ज्ञान मार्ग में, जो मेरा निजी अनुभव है ना। तो ये स्वार्थ और सेवा की जो बात है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊँ जो मैंने जीवन में अनुभव किया, कि देखो मनुष्य ना विकार के उद्देश्य से कितने संबंध बनाता है, कितने संपर्क बनाता है, लेकिन बाबा के साथ संबंध संपर्क बनाना एक बहुत बड़ी मंजिल है। मैं एक माता आती थी, उसकी माँ के साथ उसका कभी संबंध अच्छा नहीं रहा बचपन से, है ना। ये सुनने में भी ऑड लगता है, लेकिन माँ हमेशा बच्ची को कम मतलब नीचे करने में ऐसे रही। बच्ची बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन माँ ने हमेशा ऐसे किया, तो बहुत बिटरनेस उस रिलेशनशिप में थी। तो जब बेटी आती थी ज्ञान में, तो उस समय पर जो माँ है उसको भी कभी कभी माता पिता को भी लाती, कभी सेवा भी करती, तो माँ ना ऐसे बैठती थी जैसे ना मुंह मोड़ के, कि बेटी जहाँ जाती है वहाँ मुझे जाना नहीं है। फिर क्या हुआ, कोई कारण हुआ और फिर बेटी जो है वो उखड़ गई थोड़ी, है ना, सबके अपने संस्कार होते हैं, तो वो थोड़ी उखड़ गई। फिर उखड़ गई, वो सेंटर आना बंद कर दी। जैसे ही माँ को पता चला तो माँ मुझे फ़ोन करने लगी, है ना, कि यहाँ आएंगी बैठेंगी और बेटी की बुराई करेंगी ना, तो फ़ोन किए जाए, रोज़ फ़ोन करे, रोज़ फ़ोन करे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो कहती मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको ना उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपको शायद इतना पता नहीं होगा, सारी हिस्ट्री आप जानेंगे ना तो आप समझेंगे कि वो तो ज्ञान मार्ग में ऐसे ही झूठा ही चल रही थी, उसके ऐसे कोई संस्कार नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे नहीं जानना चाहती, मेरे को जितना समझ में आया मेरे लिए उतना काफ़ी, आप अगर वैसे आएंगे क्लास करने कोर्स करने तो वेलकम है, लेकिन हमें कोई ऐसी बातें नहीं करनी। तो आप सोचो मनुष्य कितने ये जो संबंध संपर्क दुनिया में बनाते हैं, कितने तरह के विकार इन संबंध संपर्कों का आधार होते हैं। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त फिलॉसफी से
कितने संबंध बनते हैं दुनिया में, है ना। आप उससे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं, है ना। तो आप सोचो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो छोड़ो, कितने तरह के ऐसे विकार भी दुनिया में हमारे संबंध संपर्क का आधार होते हैं। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं, ये जो हमारे 63 जन्मों के संस्कार है ना, इनको पहचानना, और यही संस्कार तो माया का द्वार बनते हैं ना। और माया इसी प्रकार से एक पे एक विकर्म करा करा के हमारा पूरा खाना खराब कर देती। लेकिन उतना हमें बुद्धि में नम्रता रखनी पड़ेगी, मुरली को उस अटेंशन से सुनना पड़ेगा कि हाँ, मुझे बाबा, मैं कोई, है ना, मैं वो आत्मा हूँ जिसको गाइडेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो संपूर्ण बन गए, हम तो ऐसे, उस प्रकार से मुरली भी सुनते हैं तो मुरली में भी समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करेक्शन करनी है, क्या अटेंशन देना है। तो ये पहली बात। आज जो बाबा की मुरली है वो परमात्म प्यार के ऊपर है ना, परमात्म प्यार। परमात्म प्यार, बाबा हमें कहते हैं कि 83 जन्म तक तुम्हें परमात्म प्यार नहीं मिला। देवात्माओं का प्यार मिला, साधारण आत्माओं का प्यार मिला। ये जो परमात्म प्यार है, हमें अभी भी पूछना होता है खुद को कि हम जो ज्ञान में चलते हैं, क्या परमात्म प्यार के आधार से चलते हैं? क्योंकि देखो, कई बार हम जब बाबा के पास आते हैं, हमें ज्ञान अच्छा लगा, है ना, हमें निमित्त का व्यवहार अच्छा लगा, हमें वायुमंडल अच्छा लगा, हमें जो डिस्कशंस होते हैं वो अच्छे लगे, हमें फिलॉसफी अच्छी लगी, हमें संग अच्छा लगा, तो हम चलते हैं। लेकिन क्या मेरे इस जर्नी में परमात्म प्यार सबसे मुख्य फाउंडेशन है? क्या मुझे बाबा से प्यार है? और हाँ, बाबा से भी प्यार है, लेकिन क्या सच में प्यार है? क्योंकि बाबा से प्यार माना तो बाबा को समर्पण ना, जिसको जब हमें परमात्म प्यार से हम चलते हैं, तो फिर तो बाबा की हर श्रीमत पर हमारा अटेंशन होगा। जिसको परमात्मा से प्यार है वो अमृत विलास हो सकता है? नहीं सो सकता, है ना। आपको अगर किसी व्यक्ति से भी प्यार है, वो उठकर तैयार हो रहा है और बाहर निकल रहा है, आप सोए पड़े रहेंगे? आप उठेंगे, देखेंगे, है ना, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो परमात्म प्यार अगर है, तो हम तो प्यार जिससे होता है ना, उसके साथ चलने का होना होता है, साथ रहना, साथ चलना, साथ उठना, साथ बैठना। तो बाबा हमें कहते कि परमात्म प्यार जिसके अंदर होता है, उसको तो हमेशा हर कर्म बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में, बाबा के साथ में करना अच्छा लगता है। तो ऐसा परमात्म प्यार से हम चलते हैं ना, क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे, अभी मुरली तो 95 की है ना, तो 2023 में हम बैठे हैं, है ना, कितने 28 वर्षों में बहुत पतन हो गया है। जो 95 में जो हमारा प्यार की कैपेसिटी थी, हर चीज़ तो कैपेसिटी की बात है ना, तो पहले तो एक विवाह भी होता था तो एक देहधारी को भी समर्पण जाने में कोई मेहनत नहीं लगती थी, है ना। वो कहे उठ तो उठना, वो कहे बैठ तो बैठना,
उसके हिसाब से चलना कोई मेहनत नहीं लगती थी क्योंकि उतनी प्यार की शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे तमोप्रधानता बढ़ती चली गई है तो आज मनुष्य के अंदर वो कैपेसिटी टू लव है ना, वो समर्पण भाव, वो बलिहार जाने की शक्ति बहुत कम हो गई है। आज देखो मनुष्य कैसा है ना, कल मुझे ना कोई बहुत बढ़िया बात कहते कि मेरी शादी को 15 वर्ष हो गए हैं और अब मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है शादी में, मतलब मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। माता थी तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता माना कोई बात है, कोई ऐसा कोई व्यवहार है, कुछ है? कहते नहीं, ऐसे ना मन उचाट सा हो गया, अब ऐसा लगता है चेंज चाहिए, है ना। तो मैंने कहा चेंज किस प्रकार का? तो मैंने कहा आपका कोई और रिलेशनशिप है क्या है? तो कहते नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसा लगता है भाग जाए अब कहीं पहाड़ों पे बैठ जाए, कुछ कर लें, बस अब यहाँ रहने का दिल नहीं करता। तो कहती मेरा, वैसे मैं आपको बता दूँ ये ना मेरा थोड़ा स्वभाव है, मुझे हर 20 साल में ना ऐसे कुछ होने लगता है कि अब यहाँ से मन भर गया। तो मैंने कहा ये आपको, ये 60 वर्ष की आयु होगी तो आपको 3 जीवन जीने हैं क्या इसमें? ऐसे तो नहीं होता है ना ये तो। लेकिन आप देखो वो आत्मा भी जो है, भले ही हम हंस रहे हैं जो भी, लेकिन वो तो ऑनेस्टली शेयर कर रहे हैं ना। आज क्या है, आत्माओं के अंदर एक संबंध में भी 20 साल रह गए तो थक जाते हैं, है ना। वहाँ पर भी एक, और वो कहती कि दीदी लॉयल्टी फिडेलिटी की तो बात ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है ना इस व्यक्ति के बारे में कुछ सोचे ही ना, मन ही नहीं करता कुछ सोचने का, कुछ करने का, ऐसे वैराग सा आ गया है ना। अब मन करता है थोड़ा ट्रैवल करें, थोड़ा ऐसे करें। तो मैंने कहा अच्छा है ये तो, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना। तो ये जो कमिटमेंट, सरेंडर, ये चीज़ें तो बहुत शक्ति की बात है। कमिटमेंट, लाइफ टाइम कमिटमेंट, आजकल क्या है कमिटमेंट फोबिया होता है, लोग कमिट नहीं करना चाहते। व्यक्ति सोचता है कि मुझे किसी के साथ जीवन भर चलना है या परमानेंटली एक ही जॉब में हमेशा रहना है, तो उसको फोबिया होने लगता है आजकल, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे समय पर जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें अपने संस्कारों को भी पहचानना है कि हमारे अंदर उतना समर्पण, उतना कमिटमेंट, उस प्यार की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या करने, डेवलप करना पड़ता है ना। और ये मेरा निजी अनुभव है कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारे अंदर संगम युग में चलने के लिए बहुत सारे संस्कार नहीं होते हैं। कई बार हम जब पुरानी दुनिया से आते हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, है ना, कमिटमेंट, सरेंडर या निश्चय, है ना, या आप सोचो कि और क्या है, पेशेंस, है ना, या और भी, जैसे डिसिप्लिन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसे बहुत आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, तो ये बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो संगम युग के लिए अनिवार्य है। संगम युग में हम उसके बिना नहीं चल सकते। लेकिन ये संस्कार कई बार, क्योंकि अभी हम इतने पुराण अंत के समय पर आत्माएं हैं ना, तो कई बार हमारे अंदर वो संस्कार लौकिक से नहीं आए होते हैं, पुरानी दुनिया के हिसाब से हमारे पास वो संस्कार नहीं होते। तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें ये मूल संस्कार भी डेवलप करने होते, ये भी जो संगम युग के लिए ज़रूरी है उसको भी डेवलप करना पड़ता है, है ना। तो बाबा के साथ प्यार से मुझे चलना है, ये भी शायद हमें डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो डेवलप किया जब मैं ज्ञान में आई। तो पहले पहले इतना समर्पण जाना या
कमिटमेंट देना, है ना, नहीं इतनी कैपेसिटी नहीं थी। पर जब बाबा के पास आए तो रोज़ वो भी संकल्प में लाया ना, जैसे बैठती थी ना अमृत वेला तो सोचती थी कि कोई इतना प्यार करता है ना तो करना पड़ता है ऐसे नहीं कर सकते, है ना, इतना प्यार देने वाले को, इतनी पालना देने वाले को तो रिगार्ड देना पड़ेगा ना, ये तो गलत हो जाएगा अगर नहीं किया, है ना। तो ऐसे करके वो डेवलप किया। ये मैं आपको अपना निजी प्रोसेस बताती हूँ। तो कई बार हमें ये जो बातें हैं, ये संस्कार भी जो हैं, ये डेवलप करने पड़ते हैं। और बाबा कहते परमात्म प्यार को इस समय पर हमें, बाबा हमसे इतना प्यार करता है तो हम भी बाबा के प्रति उतना प्यार से चलें, इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। नेचुरली तो नहीं आता अभी, है ना। और फिर जब परमात्म प्यार है तो उसकी निशानी क्या होती है कि हम हर कर्म बाबा की श्रीमत पर और बाबा के साथ करें, और जब हम साथ रहेंगे तो हमें संग का रंग लगेगा, है ना। सबसे इजी या ओनली तरीका किसी से कुछ लेने का होता है संग का रंग लगाना, है ना। आपको टीचर से भी कुछ लेना होता है, माता पिता से भी कुछ लेना होता है, तो आप संग में रहते हैं ना, तो संग का रंग इज़ द ईजीएस्ट और द ओनली मेथड। तो जितना हम बाबा से प्यार रखते हैं उतना हम बाबा के साथ रहते हैं, साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ चलना, हर कर्म करते बाबा की याद में रहना, ये प्यार का बाई प्रोडक्ट है। और जितना हम बाबा के साथ हर चीज़ करेंगे, श्रीमत पर करेंगे, हमारा ध्यान तो जाएगा ना, ये श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो जब जिससे प्यार होता है उसको जो चीज़ पसंद नहीं होती वो करने से दिल घबराती है, वो नहीं करते, तो फिर जब इतना प्यार, इतना कमिटमेंट हो तब जाकर वो संग का रंग बाबा से हमें लगे। और बाबा जो हमें कहते हैं ना सर्व प्राप्तियाँ, आत्मा को सर्व प्राप्तियाँ संग के रंग से मिलती। जितना हम बाबा के संग संग सारे दिन रहते हैं, आँख खुलने से लेकर नेक्स्ट आँख खुलने तक, है ना, जितना हम बाबा के संग संग में रहेंगे तो संग का रंग लगता है और हमारे अंदर एक भरपूरता आती जाती है। हम भी ज्ञान स्वरूप, प्यार स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, संतुष्टता स्वरूप बनते चले जाते हैं, क्योंकि हम हर कर्म में बाबा के साथ रह रहे हैं ना। तो बाबा हमें, जब हमारा ऐसा स्वरूप बन जाता है ना, तो बाबा कहते इसी को कहते सर्व प्राप्ति संपन्न। क्योंकि बाबा से हमें कोई स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं है, अविनाशी प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, अनुभव, है ना, स्वमान, ये सारे जैसे हमारे अंदर धारण होते चले जाते हैं। हम ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, गुण स्वरूप बनते जाते हैं, शक्ति स्वरूप बनते जाते हैं। और ये जो कलयुग अंत है इसमें फिजिकली स्थूल रूप से सर्व प्राप्तियाँ नहीं हो सकती, है ना। जो आज बाबा चार बातें कर रहे हैं ना, तन मन धन और संबंध संपर्क से कितना हम प्रसन्न हैं, तो तन से आप तन के आधार से प्रसन्न नहीं रह सकते, तन में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। इसीलिए इस संगम युग में अगर प्रसन्न रहना है तो हमें ईश्वरीय प्राप्तियों के आधार से ही प्रसन्न रहना होगा। अब ईश्वरीय प्राप्तियों के आधार से आज बाबा ने कितनी अच्छा समझाया, तन में रोग भी है तो हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है तो हम बीमारी कॉन्शियस भी नहीं होंगे, हम सोल कॉन्शियस हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। बॉडी तो अनहेल्दी है
लेकिन मैं आत्मा तो हेल्दी हूँ ना, लेकिन मैं किसकी कॉन्शियसनेस में हूँ? मैं बीमार हूँ जब कहते हैं, तो मैं है कौन? तो मैं तो आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर आत्मा तो बीमार नहीं है ना, तो मैं बीमार कैसे हो सकता? लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो फिर तो मैं बीमार ही हूँ, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं परमात्म प्राप्ति क्या है? कॉन्शियसनेस शिफ्ट। जिसको कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया है उसको तन की व्याधि तंग नहीं कर सकते, है ना। और अगर कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हुई है तो तन की व्याधि से तो छूट ही नहीं सकते। किसी को बॉडी कॉन्शियस, किसी को ज्ञान सुनाएंगे ना कि तन में रोग है ऐसे, हाँ बहन जी आपको नहीं हुआ है ना इसीलिए आपको ऐसा लगता है, रोगी को पूछो कितना दर्द होता है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस को तो आप समझा ही नहीं सकते कि इसको आप भूल जाओ और आप सोल कॉन्शियस होकर याद करो बाबा को और खुश रहो, है ना। वो कहता है कि नहीं पहले तो मेरा इलाज ढूंढ के दो। मैंने बताया था ना एक बार एक युगल आए, तो आए हाथ वाथ जोड़े सब, फिर बातें करने लगे, आपस में खूब झगड़े दोनों, है ना, बुजुर्ग थे यहीं पर ही, है ना। वो कहती ये मुझे ये बीमारी है, तो युगल कहते नहीं इनको ये नहीं है ये है, तो कहते हाँ आपको ज़्यादा पता है मुझे क्या बीमारी है, वो भी आपको पता है, सारी जीवन तो सब कुछ आप ही को पता है, ऐसे वो शुरू हो गए। उसके बाद बातें कर कर के फिर उन फाइनली उनको टाइम मिला मुझे देखने का, है ना। तो फिर मैंने कहा कि आप कोर्स कर लो, तो कहते क्या होता है इस कोर्स में? तो मैंने कहा मन की शांति मिलती। कहते नहीं अभी तो मन की प्रॉब्लम नहीं, अभी तो बॉडी की प्रॉब्लम है, बीमारी है ना मुझे, तो आप कोई अच्छा डॉक्टर बता दें, इतने लोग यहाँ आते हैं तो आप कोई अच्छा डॉक्टर बता दें। तो मैंने कहा भगवान को तो वैद्यनाथ कहते हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वही है। कहते हैं वो तो है ही, लेकिन कोई वैसे भी कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना मेरी बीमारी का, तो उसका पता करना था, है ना। तो कहती आप क्लास में अनाउंस कर देना इस बीमारी का कोई डॉक्टर हो तो बता दें। तो मैंने कहा ठीक है, आपने कभी डॉक्टर दिखाया नहीं? कहती नहीं सारी दिल्ली के सारे डॉक्टर दिखा दिए। तो मनुष्य क्या है कि बॉडी कॉन्शियस है, बीमारी कॉन्शियस है, तब आप उसे सोल कॉन्शियस नहीं बना सकते। इसीलिए बाबा कहते पहले सोल कॉन्शियस बन जाओ, है ना। आपको पता है ना बाबा हमें राइट टाइम पे मिलता है, ना जल्दी ना लेट। बाबा हमें कब मिलते हैं? जब हमारे हिसाब किताब एकदम बाहर आने वाले होते हैं ना, उससे थोड़ा पहले उससे थोड़ा पहले बाबा हमें मिलता है, राइट टाइम पे, है ना। बाबा हमें कहते हैं ना पूरा जब बोझ अंत पे आ जाता है तो मैं मिलता हूँ, और अगर हमने थोड़ी भी देरी की ना तो फिर वो जंग शुरू हो जाती है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना जो आदि से, जब से बाबा के पास आए तब से अगर पूरा बाबा के बनकर चलें तो वो पूरे विजयी बनेंगे, लेकिन आदि में तो हम वो भावना नहीं रखते, तो फिर क्या होता है? फिर वो लेट हो जाता है। फिर जब हिसाब किताब आते हैं तो हिसाब किताब आगे चलते हैं, हमारा पुरुषार्थ पीछे चलता है। लेकिन अगर हम बाबा के को जानते ही बाबा के बन जाए तो हमारा हिसाब किताब पीछे चलेगा और हमारा पुरुषार्थ आगे चलेगा, और हमें उसकी कभी फीलिंग नहीं आएगी। ये एक्चुअली संगम युग का लॉ है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें आता हूँ तो मैं तुम्हें सोल कॉन्शियस बनाता हूँ। अब जिसको बाबा से प्यार है वो तो सारे दिन क्या प्रैक्टिस करेगा? देही अभिमानी अवस्था, क्योंकि आत्मा समझते हैं तभी तो बाबा फील होता है। तो वो आत्मा तो इतनी प्रैक्टिस में होगी कि वो सोल कॉन्शियसनेस से
बीमारी कॉन्शियस नहीं हो पाएगी। और फिर बाबा कहते हैं कि दवाई को क्या समझना है, ड्राई फ्रूट है ना, ड्राई कहेंगे है ना, फ्रूट तो नहीं कह सकते, ड्राई फ्रूट। बीमारी को ड्राई फ्रूट समझना है, बाबा कहते हैं इतनी अच्छी रंग बिरंगी गोलियां देते हैं तुम्हें, खा लो। और क्या सोचो, ऐसे नहीं गोली खानी पड़ती है, गोली खानी, कई ऐसे ना गिनते भी हैं, रोज़ 12 गोली खाता हूँ, रोज़ 10 गोली खानी पड़ती है ना, और इस प्रकार से रोज़ गिन गिन कर खाते। तो बाबा कहते नहीं, ऐसे सोचो ये मुझे शक्ति भर रही है, ये ठीक कर रही है। तो उस अवेयरनेस में गोली खाएंगे तो वो मजबूरी की फीलिंग नहीं, बीमारी की याद नहीं दिलाएगी, वो और ही आपको ये खुशी की फीलिंग देगी कि ये ठीक कर रही है मुझे, है ना। तो बाबा ने हमें ये तन के साथ खुश रहने की विधि बताई, ठीक है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मन के साथ, है ना, तो मन भी आज मन ऐसा नहीं होगा कि आप मन को बिठाएं और देखो आज हमारे मन का क्या हाल है ना, अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि संस्कार ऐसे विकृत हो गए हैं कि जहाँ उसको नहीं जाना है वहाँ मस्त घूमेगा, और जहाँ उसको एक्चुअली बिठाना है, अच्छा मुरली सुनो तो सुनेगा नहीं, है ना, योग में बैठो तो बैठेगा नहीं, है ना। तो अब क्या है, बाबा कहते अब अगर इसमें देहाभिमान रखेंगे कि मन क्यों नहीं लग रहा, कई ऐसे मेरा ना योग में मन नहीं लग रहा, अरे मन तो नहीं लगेगा ना। मन थोड़ी लगेगा, संस्कार क्या तुम्हारे परम पवित्र संस्कार हैं जो तुम्हारा मन लगेगा योग में, मन कहाँ लगेगा, मन कहाँ लगेगा, वो तो आज जो मीडिया कंटेंट बनाते हैं उनको मालूम है ना, इसलिए तो वो बना के परोसते हैं ना, मन तो वहाँ लगेगा, उन्होंने इतनी रिसर्च क्यों की है, उनको पता है आज मन कहाँ लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मन नहीं लग रहा ये आप नहीं सोचो, आप मन को लगाओ, दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति यूज करो, है ना, मन को दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति से साधो। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं करता है, मन नहीं करता है, तो मन को और ही आप बिठा दो सर पे, है ना, कि आप जो करेंगे वही हम करेंगे, है ना, आप जो कहेंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं है, मन तो नहीं लगेगा ना, मन तो बिगड़ गया है, उस मन को अभी आपको बाबा ने जो हमें दिया है उसके आधार से चलाना है, आपको मन की नहीं सुननी। आपको क्या लगता है हमारा बड़ा मन करता है रोज, हाँ हमारा बहुत मन करता है हर चीज़ करने का, है ना, मन नहीं करता, मन किसी चीज़ का किसी को नहीं करता, लेकिन आपको दृढ़ता और एकाग्रता से चलाना पड़ता है ना। ये पहले तो एकाग्रता, एकाग्रता माना एक बाबा दूसरा ना कोई पहले, नहीं जो बाबा ने संकल्प दिए, जो बाबा ने कहा है वो करना ही है, पहले तो एक का पाठ पक्का करना पड़े, है ना, और फिर एक का बनेंगे तो एकाग्रता आएगी, है ना। एकाग्रता प्रैक्टिस से नहीं आती, एकाग्रता एक का बनने से आती है ना। बार बार अपने को बताओ, नहीं मैं एक बाबा का हूँ ना, जो बाबा ने कहा है वो ही करना, निर्विकल्प स्थिति, नो ऑप्शन। अपने मन को कहो उठ के तो तुझे बैठना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी भटक, है ना। तो ऐसे एकाग्रता में लाने के लिए एक बाबा की ही सुननी पड़ेगी, ये आपको पक्का अंदर बिठाना पड़ेगा, एक का पाठ पक्का होगा कि एक बाबा ही है और एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है, तो एकाग्रता आएगी और दृढ़ता, है ना। दृढ़ता माना
मन कितना भी इधर उधर जाए, आपको गिव अप नहीं करना। दृढ़ता से परसिवरेंस आती, जितना दृढ़ता होगी उतनी परसिवरेंस होगी। कि दृढ़ता है कि कितना भी भटके लेकिन इसको फिर बिठाना है, तो फिर आपको, फिर मन को भी पता चल जाता है ये नहीं मानने वाला, मैं ही मान जाता हूँ, छोड़ोगे ही नहीं तो क्या है ना। तो बाबा कहते हैं गिव अप नहीं करना, दृढ़ता मतलब नेवर गिव अप। तो बाबा से जितना हम, बाबा गिव अप करता है, बाबा बोलते कल तो इतने गंदे एक्सप्रेशन दे रहे थे सुन के, आज नहीं बोलूँगा इनको, फिर ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे एक्सप्रेशन देंगे बाबा, फिर मीठे बच्चे क्यों नहीं किया, ऐसे करो, है ना। तो नेवर गिव अप, बाबा से दृढ़ता लो, बाबा से एकाग्रता लो, है ना। बाबा भी तो देखो एक लक्ष्य को लेकर कितने वर्षों तक, बाबा देखो किस प्रकार से चलता है। बाबा के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति कितनी एकाग्रता है कि मुझे सतयुग बनाना है तो बनाना है, और इन्हीं से बनाना है ना। हम गिव अप करते, बाबा कभी गिव अप नहीं करता। कभी ऐसा नहीं होता कि बाबा के घर से कोई बच्चे का नंबर ब्लॉक हो जाए, कि बाबा के घर में किसी को कह दिया जाए कि आप कल से नहीं आना, नहीं, कभी नहीं होता। बाबा कभी गिव अप नहीं करता, बच्चा ब्लॉक करता है, बाबा कभी नहीं करता। ब्लॉक करना, मना करना, रेस्पॉन्ड ना करना, ये सब ना बाबा करता है ना बच्चे करते। 40 बार भी गलती हो जाएगी ना, तब भी दरवाज़ा खुला रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी एकाग्रता मेरे अंदर है ना, तो वो सीखो। गिव अप क्यों करना होता, कलयुग अंत में थोड़ी तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देगा, है ना। और फिर बाबा इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा प्यार के आधार से जो प्राप्ति मिली है, ये जो एकाग्रता दृढ़ता की शक्ति मिली है, उस आधार से अपने मन को चलाएंगे तो मन सदा प्रसन्न रहेगा। मन को प्रसन्न रखने की एक ही विधि है कि मन सुख के सागर को याद करे। अगर मन जुड़ा रहेगा पुरानी दुनिया की बातों से तो मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। दुख धाम को याद करके सुख थोड़ी मिलेगा, लेकिन मन को मनमना भव करने के लिए हमें दृढ़ता एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और मन मनमना भव होगा तो प्रसन्नता होगी ही होगी, मन बाबा की याद में होगा तो खुशी होगी। मन भटकता है और हम उसके साथ साथ, मन क्यों भटक रहा है, मन ऐसे कर रहा है, मन वैसे कर रहा है, तो मन को मालिक बनाएंगे तो हम भी भटकेंगे, ठीक है ना। और बाबा ने आज कहा कि धन और संबंध का, है ना, अगली बार बताएंगे, है ना। लेकिन आप देखो संबंध भी, अगर आज हमें संबंधों से प्रसन्न रहना है तो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए संबंधों में, कैसे प्रसन्न रहेंगे। सबको घर से निकाल दो, वैसे साक्षी होना और स्वाहा, क्या संबंध स्वाहा कराना, और स्वी एक्सेप्टेंस और सहनशीलता, है ना। सहनशीलता होगी, आत्मिक दृष्टिवृत्ति होगी तो संबंधों में प्रसन्न होकर चलेंगे। अगर किसी भी आत्मा के साथ संबंध में आते
ये सोचेंगे कितने वंडरफुल हैं इनके संस्कार, है ना, इनका संस्कार मेरे से कितना अलग है पर वंडरफुल है ना, ये नहीं सोचेंगे कि बुरा है, ऐसा है, वंडरफुल है ना, तो फिर अपने आप संबंधों में प्रसन्न रहेंगे। संबंधों में अप्रसन्नता का कारण क्या है? अप्राप्ति। अप्राप्ति का कारण क्या है? फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। हमारे अंदर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है, ये हमें तृप्त करेंगे, ये हमें खुशी देंगे, ये हमें प्यार देंगे, उनके खुद के पास नहीं है, वो कहाँ आपको देंगे, है ना। तो अप्राप्ति का कारण क्या है? फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है हमारे। तो बाबा कहते हैं जब बाबा से सर्व शक्तियाँ लेंगे, बाबा के प्यार से अपने दिल को भर कर रखेंगे, प्यार से चलेंगे, सहनशील होंगे, एक्सेप्टेंस रखेंगे, आत्मिक दृष्टि वृत्ति रख के चलेंगे, तो हर संबंध में आप प्रसन्न रहेंगे, है ना, हर संबंध में आप प्रसन्न रहेंगे। देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार ना, एक मेरे सामने सामने की बात है, एक बड़ी दीदी को ऐसे जूस दिया किसी ने, बहन ने, तो जूस जो था वो इतना सा था ग्लास में, तो हमें भी लगा कि क्यों ऐसे इतना सा जूस दिया है, देती ठीक से, तो कहती है रख के, और कहती है कल छोड़ दिया था आपने तो आज इतना ही पियो, है ना। तो फिर हमें लगा मैं भी नई नई थी, मुझे लगा देखो अब बड़ी दीदी को कह दिया कि इतना ही कल छोड़ दिया था तो इतना ही पियो, तो फिर मुझे आया कि ये तो थोड़ा दिस इज़ नॉट गुड बिहेवियर। तो दीदी देखकर क्या कहती है, ये मेरी माँ है ना, माँ है ये, इसकी सुननी पड़ती है ना, अगर इसकी ना सुने ना कल तो इतना भी नहीं देगी फिर, है ना। तो अब आप देखो उन्होंने कितना अच्छा एक्सेप्टेंस की विधि बनाई, है ना, ऐसे भी तो कह सकते थे मैं बड़ी हूँ, है ना, और मुझे बताते हैं कितना खाना है, कितना पीना है ना, कल मुझे वॉमिटिंग हो रही थी तो क्या करती, लेकिन इसका मतलब आज नहीं देंगे ऐसा थोड़ी है, तो असंतुष्ट होती, लेकिन कहती है माँ है मेरी, अगर नहीं इसकी सुनो ना तो कल इतना भी नहीं देंगी फिर, है ना, तो जितना मिला है पी लो ठीक से, आज पूरा पीऊँगी तो शायद थोड़ा दे देगी कल, है ना। तो क्या है कि ऐसे संबंधों में प्रसन्न होकर चलना पड़ता है, और जितना आप आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखें, फेथ रखेंगे हर आत्मा में कि ठीक है उसको समझ नहीं है पर उसका इंटेंशन बुरा नहीं है ना, फेथ रखना पड़ता है, ये भी एक प्रकार का फेथ है कि आत्मा को समझ नहीं है, उसको इंटेंशन बुरा नहीं है पर समझ नहीं, उसका संस्कार थोड़ा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वो इल मीनिंग है, है ना। तो ये भी फेथ रख कर चलते हैं तो संबंधों में प्रसन्न रहते हैं, है ना। और धन में प्रसन्न कैसे रहेंगे? जब आप समझेंगे कि धन सिर्फ साधन है और धन इतना होना चाहिए कि हम पुरुषार्थ और सेवा कर सकें, तो आपको धन हमेशा इनफ लगेगा। जब आप समझते हो ना कि धन एक साधन है और धन उतना होना चाहिए कि मैं पुरुषार्थ और सेवा कर सकूं, तो आपको धन हमेशा इनफ लगेगा, आप धन से हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा की तो जीवन ही सिंपल है, है ना। और अगर आप सेवाधारी हैं तो आपको बाबा रिसोर्सेस की भी कमी नहीं होने देगा, क्योंकि वो रिसोर्सेस सेवा में लग रहे हैं। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि धन के सिर्फ दो यूज़ हैं, पुरुषार्थ और सेवा, बाकी तो धन सिर्फ माया है, बाकी तो धन सिर्फ माया का द्वार बंद। जो धन पुरुषार्थ में और सेवा में नहीं लगता,
वो धन माया का द्वार बनता है। इसलिए ऐसे धन की मुझे कामना नहीं। और बाबा के बच्चे को कभी पुरुषार्थ और सेवा के लिए धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाबा तो आया ही इसलिए है, तो अपने लक्ष्य को तो पूरा करेगा ना। लेकिन जब हम बाबा से प्यार नहीं रखते, हमारे लक्ष्य का अलाइनमेंट नहीं है बाबा के लक्ष्य के साथ, तो फिर हमें धन कम लगता है। ठीक है, ओम शांति।